आज 22 जुलाई के जितने भी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते थे उसे हम लोग देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के अभी 16वें राष्ट्रपति हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य में किसान मित्र योजना शुरू किया गया है, तो ये हरियाणा में शुरू किया गया है। हरियाणा को लोग मैप में देखेंगे तो ये हरियाणा का भूभाग है और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसका गठन जो हुआ था हरियाणा राज्य का ये 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ पर विधानसभा की सीट 90 है, राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 10 है। अगला प्रश्न है कि लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया, यह किस राज्य के राज्यपाल थे, तो ये अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अब हम लोग मध्य प्रदेश को मैप में देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का भूभाग है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं जो कार्यवाहक वहाँ की राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट यहाँ पर 29 है और राज्यसभा सीट 11 है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इस वर्ष लागू किया गया है, तो 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 में लागू किया गया है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 20 जुलाई को लागू हुआ और उपभोक्ता आंदोलन का जो आरंभ हुआ था ये अमेरिका से हुआ था, जबकि 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 2019 का यह अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास पास एक्स की शुभारंभ की है या शुरुआत की है, तो यह अमेरिका के साथ शुरू हुआ है और इस अभ्यास में अमेरिका का कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप USS निमित्ज भी भाग ले रहा है और यही है USS निमित्ज। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है, तो यह छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है और छत्तीसगढ़ को मैप में देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ का भूभाग है और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, विधानसभा सीट 90 है, राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 11 है। अगला प्रश्न है कि T20 विश्व कप 2021 रद्द हुआ, इसे कहाँ आयोजित किया जाना था, तो इसे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना था। T20 वर्ल्ड कप इसका जो आरंभ हुआ था ये 2005 में हुआ था और आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में इसका होता है और प्रथम मैच जो खेला गया था ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया था और इसमें सर्वोत्तम स्कोर 172 रन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ओरन फिंच ने लगाए थे और एक पारी में सर्वाधिक विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो युजवेंद्र चहल का है और ये 6 विकेट इन्होंने लिया था। अगला प्रश्न है कि द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो ST वॉ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलिया को लोग मैप में देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया का भूभाग है और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं और ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1 जनवरी 1901 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 में कौन सा देश भाग ले रहा है, तो इसमें अमेरिका भाग ले रहा है। अमेरिका और भारत के बीच का ये समिट है, इसका आयोजन 22 जुलाई को होने वाला है और इसका विषय है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इसमें भाग ले रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन हुआ है, तो यह दिल्ली में हुआ है और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं अभी वो अनिल बैजल हैं। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।